गाइस अभी भी बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है. लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं आतिफ असलम होस्ट कर सकता है नहीं कर सकता. तो मैंने सोचा कि अगर आतिफ असलम होस्ट ना कर रहा होता और कोई और होस्ट कर रहा होता इस शो को तो कैसा लगता. अगर उमेर जसवाल इस शो को होस्ट कर रहे होते तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके से करते हैं. एक डब्बा एक बांदर और माचिस उसके अंदर, जब मिले तो ढोल बाजे धमा धम, कैसा दिल पे वार किया रे, छीना मुझसे मोरा जिया रे, सोमी मेरी वार मैं वारी यानी सोमी ये, सोमी मेरी वार मुसम्मी मेरी वार मुसम्मी मेरी वार. तो यही अगर अली जफर होस्ट कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते. हो मैंने तुझे देखा है मकड़ी के जालों में, बेबस ख्यालों में, नदियों में नालों में, सालन के प्यालों में, शेरू के बालों में. जब भी तू फिल्म बनाए पब्लिसिटी थोड़ी, वो दिल झूम झूम, दिल झूम झूम कर शेरुआ शेरुआ, और दिल झूम झूम. तो अगर यही होस्टिंग एक शरीफ इंसान कर रहा था, बहुत ही मासूम से सिंगर, बहुत लेजेंडरी सिंगर, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट सज्जाद अली साहब, अगर वो ये अवार्ड होस्ट कर रहे होते तो कैसे करते. एसी में खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना एसी में खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना. गर्मी में खड़ा हूँ अभी पिघला तो नहीं, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सज्जाद अली साहब, अली जफर एंड